हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 11 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया? तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की विषय क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दक्षिणी भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया था और विद्या कनुका योजना की शुरुआत की थी। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था और आंध्र प्रदेश LEAF के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, तो AMF में आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। सीमा से सटे राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक है। बंगाल की खाड़ी की सीमा आंध्र प्रदेश की सीमा से मिलती है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश के राज्य चिन्हों की बात करें तो राजकीय भाषा तेलुगु है, राजकीय प्रतीक पूर्ण कुंभ है, राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय पक्षी नीलकंठ है, राजकीय पेड़ नीम का है, राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी और राजकीय फूल कुमुद का है। नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2005 को हुई थी। और पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं। क्षेत्र के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां। ऐतिहासिक रूप से इस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ 77% चावल की खेती है। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल की शुरुआत की है? तो SBI ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सफल यानी सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, यह मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। SBI का मुख्यालय मुंबई है और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? तो इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8% गिरावट का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फिच रेटिंग्स की भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के वित्त वर्ष 2021 के घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को 11.8% गिरावट का अनुमान लगाया। अच्छा, इसे पहले 5.3% का अनुमान था जिसे अब 11.8% गिरावट का अनुमान कर दिया गया। अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में 9.9% की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान में इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करण साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेज़बानी की है? तो ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेज़बानी की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति का उद्देश्य क्या है?
तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में और प्रमुख व्यक्ति उपेंद्र त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर जयपाट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना प्लेयर जयपाट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। अच्छा, प्लेयर जयपाट यह एक स्पोर्ट गेमिंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रवेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज पहल का शुभारंभ किया है? तो AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज पहल का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वह खगोल विज्ञान के जनक थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में टॉप पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।